हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, आरपीएससी की तरफ से जो सेकंड ग्रेड की आपकी वैकेंसी आई है 9760 पद, जो कि काफ़ी हैं पद, 9760 पद, और आपको शायद ही इतने पद जो हैं वो आगे देखने को मिलेंगे। तो बहुत जी जान से जो है वो तैयारी में जो है वो लग जाएं। थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है सेकंड ग्रेड के बाद होगा, आप सभी जानते हो। जो बच्चे पात्रता परीक्षा रीट के जो है कर लेंगे क्लियर, तो उसके बाद वो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड ग्रेड के कोर्स की बात करूँगी, जिसमें 9760 में से केवल एक पद जो है वो आपको अपने लिए चाहिए। और आप कैसे तैयारी करोगे, मैंने कई बार आपको बताया भी है। और यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों पर आधारित जो है वो पूरा कोर्स जो है आपका केवल पेपर वन का, यही पेपर वन जो है वो आपको थर्ड ग्रेड में भी सफलता हासिल करवाएगा। तो महत्वपूर्ण पुस्तकों पर आधारित संपूर्ण कोर्स जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर 200 अंक का है, जिसमें आपका राजस्थान का पूरा जीके है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, राजस्थान का करंट अफेयर है, विश्व भारत का सामान्य ज्ञान है, और आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है। आपकी राजस्थान का जो पूरा जीके है, कंप्लीट जीके, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक के साथ जो है वो आपका कंप्लीट होता है। आपका जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये भी करवा दिया है बहुत अच्छे तरीके से मैंने, ज्योग्राफी आपकी चल रही है, लास्ट में जो है करंट अफेयर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कई बच्चे ये बोल रहे थे कि क्या इसमें जो है वो वन लाइनर जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलेगी, नहीं, यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन तक की बुक का जो है वो है बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। सिलेबस में जिस तरीके से टॉपिक दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर हम पूरा 100% कोर्स जो है वो करेंगे। ठीक है, 100% कोर्स आप करेंगे तभी आप जो है वो सिलेक्शन की ओर जाएंगे। 40% मार्क्स जो है वो आपको यहाँ लाने जरूरी हैं। एक मार्क्स जो है वह भी यदि आपका कम रह जाता है तो आपकी मेहनत जो है वह बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही पेपर आपके 40% मार्क्स आपके दोनों में लाने जरूरी हैं। यहाँ जीके का जो फर्स्ट पेपर है ये हम साथ में लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इससे आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो है वह भी बहुत आसानी से क्लियर होगा। क्योंकि राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, यहाँ पर पॉलिटी और ज्योग्राफी भी है साथ में, तो ये इसमें जो है आपको वीडियोस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी कंप्लीट बिल्कुल। और राजस्थान का करंट अफेयर यही आपके थर्ड ग्रेड में है। यहाँ पर भारत का जो सामान्य ज्ञान है यही आपके थर्ड ग्रेड में है। ठीक है, और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वह भी आपके थर्ड ग्रेड में ही है। तो क्यों ना एक कोर्स से जो है दो पेपर की तैयारी बहुत आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर ऐसी जो बुक्स हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं, तो उनसे ही जो है हर एक टॉपिक जो है वो निकाल कर मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सेट किया है। और जिसमें बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस में जो है वो हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनमें आपको पढ़ाया है, और साथ में इनको आप जो है बहुत आसानी से, जैसे आपने रीट में किया था कि इनको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख सकते हो रिवीजन के लिए, तो वह भी आप कर सकते हो। वीडियोस को जितनी बार सुनना चाहो आप सुन सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यदि आप बहुत अच्छे से अभी समझते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। क्योंकि यदि मैं आपको बहुत सारी पुस्तक जो है वो बता दूँ तो उनको जो है आप इकट्ठा करेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि टाइम आपके पास इतना नहीं है। और इतना सुनहरा अवसर, जो कि इतने सारे पद हैं आपके 9760 पद, आपका जो है सिलेक्शन यदि सेकंड ग्रेड में हो जाता है तो यहाँ आपको सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। थर्ड ग्रेड से ज़्यादा सैलरी जो है वो सेकंड ग्रेड में है। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा बच्चा जो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो उसका थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन जो है वह होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, वही आपके थर्ड ग्रेड में भी है। थर्ड ग्रेड में जिसको आप शैक्षिक रीति विज्ञान जो कह रहे हो, जो हमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा बच्चे बोल रहे थे, देखिए वो क्या है, शिक्षण विधियां हैं जो आपने रीट में पढ़ी थी। रीट में जो शिक्षण विधियाँ आपने पढ़ी थी वही आपके रीति विज्ञान के नाम से थर्ड ग्रेड में दी हुई है। वहाँ पर भी आपके देखिए राजस्थान का जो पूरा जीके है, लेवल वन की यदि बात करें तो अब 100 मार्क्स का कर दिया गया है, और वहीं पर लेवल टू की बात करें तो वहाँ 80 मार्क्स का जो है वह कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा रोल जो है वह राजस्थान जीके का होता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है आपका, जो भी आपके सिलेबस में है
हर चीज़। कई बच्चे ये पूछ रहे थे क्या हमें यहाँ पर वन लाइनर जो है वो है टेस्ट सीरीज़ ही मिलेगी। नहीं, यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ वन लाइनर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर आपको जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग, यानी जैसे कि राजस्थान का, जैसे 1857 की जो क्रांति है, तो आपकी चाहे वो 8th क्लास में है, चाहे वो 9th क्लास में है, चाहे वो 11th क्लास में है, चाहे वो ग्रेजुएशन की क्लास में है, तो उन सभी में से जो है निचोड़ जो है हर चीज़ निकाल कर जो है एक टॉपिक तैयार कर दिया गया है। इस तरीके से जो है ये टॉपिक बनाए गए हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है तो वो सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर जो है आप लोगों को समझाया है। वीडियोस जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, इसमें नोट्स जो हैं वह भी आपको प्रिंट आउट के लिए मिल रहे हैं। इतनी सारी सुविधा जो है वो हर कोई आपको नहीं देगा। बाकी आप सभी समझदार हो, जहाँ पर भी आपको जो है फ़ायदा है वहाँ पर जो है वो आप तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि इतने कम समय में और बहुत ही ऑथेंटिक बुक का सहारा लेकर जो है ये बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर बहुत मेहनत भी लगती है। मेहनत उसको ज़्यादा लगती है जिसने उन पुस्तकों से जो है हर टॉपिक जो है वह है निकाला है। क्योंकि यदि आप बुक से जो है निकालने बैठेंगे, जब आपको ये महसूस होगा कि हमारा जो है आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल पकी पकाई खीर जो है वह परोसी जा रही है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो जितने भी पद हैं, इनमें से एक पद जो है सुनिश्चित करने के लिए आप जो है फर्स्ट पेपर का 200 अंक का जो आपका पूछा जाएगा, तो आप जो है कोर्स ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है, वीडियोस हैं, नोट्स हैं और पीडीएफ है। कैसे लें, कई बच्चे पूछ रहे थे, तो पहले भी मैंने आपको बताया है, तो एक बार और जो है मैं आपको बता देती हूँ। एक बार थोड़ा सा आप जो है इसका सिलेबस जो है वो डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो कह रहे थे हमें तो अच्छे से नहीं पता है। देखिए, ये आपका पेपर वन है, इसमें आपकी जो है ज्योग्राफी है फर्स्ट में। देखिए, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के अंदर आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ाई गई है, ठीक है। तो जिसमें आपका ये जितना भी जो टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक, यानी कि एक पहला टॉपिक जो है फिजिकल फीचर, तो ये आपको पढ़ाया गया है। दूसरा है क्लाइमेट, इस तरीके से पढ़ाया गया, और साथ में उसकी पीडीएफ जो है इन्हीं वीडियोस के साथ में आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरा जो भी यहाँ सेकेंड ग्रेड की सबसे अच्छी बात क्या है, जो टॉपिक आपको दिए हैं केवल आपको यही पढ़ने हैं। रीट की तरह ऐसा नहीं करना है कि आपको छोटा सा टॉपिक दिया है और उसके आगे पीछे का भी आपको पढ़ना होता है। यहाँ देखिए, जैसे कि राजस्थान में जो है कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और बैराट, ये चार सभ्यताएं ही पढ़नी है, तो अब आपको केवल चार ही पढ़नी है, इसके अलावा नहीं पढ़नी है सेकेंड ग्रेड में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो आपकी राजस्थान की हिस्ट्री में आपको केवल गुर्जर प्रतिहार दिया है, चौहान दिए हैं अजमेर के, दिल्ली सल्तनत के साथ जो मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, इनका रिलेशन पूछा है, तो केवल इनका ही पढ़ना है, ठीक है। मुगलों के साथ संबंध जो राजस्थान का रहा है, जैसे सांगा है, प्रताप है, मानसिंह है आमेर के, चंद्रसेन है, रायसिंह है बीकानेर के, ठीक है, मेवाड़ के रासिंह है, केवल इनके बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पर राजस्थान की जो 1857 क्रांति है ये पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कल्चर जो कि आप रीट में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बिल्कुल खोजने की आपको जरूरत नहीं है कि हमें जो है 7th क्लास में निकालना है टॉपिक, थोड़ा सा हमें 9th में निकालना है, या हमें 11th में या ग्रेजुएशन की बुक में से लेना है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो पॉलिटी की यदि बात करें केवल राजस्थान की, तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट हैं, तो वही चीज़ आपकी थर्ड ग्रेड में भी काम आएगी। और यहाँ पर पॉलिटी यदि आपने बहुत अच्छे से, जिन बच्चों ने वीडियोज़ देखे हैं, जिन बच्चों ने कोर्स लिया है और जिन बच्चों ने ये सारे वीडियोस देखे हैं, तो ज़िंदगी में पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन जो है वो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद जो है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है, ये सबसे अंत में कराया जाएगा, राजस्थान नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो अब देखिए, ये आपको थर्ड ग्रेड में भी पढ़नी होगी, ठीक है। कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, महासागर है, महाद्वीप है, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो कि देखिए फिजिकल फीचर है, ठीक है, मानसून सिस्टम जो है, और इसके अलावा नदियां हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ाई गई हैं। तो इसके बाद जो है वो आपको किसी भी तरीके की जो है वो बुक या गाइड जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन जो है वो बच्चों के दिमाग में आ रहा था कि क्या ये कोर्स लेने के बाद हम कोई गाइड या बुक खरीदें, किसी भी तरीके की
आपको कोई भी बुक जो है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडिया की जो पूरी पॉलिटी है वो आपकी दी हुई है, जहाँ पर आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और अंबेडकर जी का जो क्या यहाँ पर रोल रहा, संविधान आपका जो आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये मिलेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी 3rd ग्रेड में भी आपको यही पढ़नी होगी, तो ये सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा यानी 200 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अब ये कोर्स जो है वो आप कैसे खरीदोगे, चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप जो है वो कोर्स ले सकते हो। देखिए कोर्स का प्राइस जो है वो बिल्कुल आधा कर दिया गया है। आधा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम जो है वह भी सभी पास पास में है। अब बच्चे जो हैं यहाँ पर 3rd ग्रेड का कोर्स भी अलग लेंगे, 2nd ग्रेड का भी कोर्स अलग लेंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से यदि चलेंगे तो एक कोर्स के ज़रिए ही आप जो हैं 2 एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो 2nd ग्रेड टीचर का कोर्स कैसे प्राप्त करें, यहाँ 1599 का है, और अपने मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर, जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आपको क्या करना है, हेलो मैसेज करना है। जैसे ही आप ये मैसेज कर देंगे तो आपके पास जो है QR कोड जो है वह भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जिसमें आपको क्या करना है, पेमेंट करके रिसिप्ट जो है, यानी आपने पेमेंट कर दिया तो उसकी जो रिसिप्ट है इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजनी है, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। और बस इतना ही आपको करना है, और इसके बाद जो है आपको ईमेल ID जो है वह उपलब्ध करानी है। देखिए रीट में भी बच्चों ने ये जो है बहुत समस्याएं की थी, और बार बार जो है उनको फ़ोन करना पड़ा था। उसकी वजह क्या थी, पेमेंट तो बच्चों ने कर दिया था लेकिन ईमेल जो है वह नहीं भेज रहे थे। ईमेल आपको भेजना ही होगा, तभी तो जो है कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ईमेल जो है, जिससे आप यूट्यूब चलाते हो, जिससे भी आपको जो है कोर्स जहाँ पर पढ़ना है, जिस भी मोबाइल पे, ठीक है, जिस ईमेल से आपको पढ़ना है वो आपको जो है भेजना है। और उसके बाद जैसे ही पेमेंट जो है कंफर्म हो जाता है, 24 घंटे के अंदर आपको जो है ईमेल से कनेक्ट कर दिया जाएगा और जितना भी मैटर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि राजस्थान का जितना भी GK है, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है कोर्स में, वो आपको मिल जाएगी। एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो आपको मिल जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी जो है वह चल रही है आपकी, ठीक है। और बिल्कुल हम देखते हैं कि ये 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 7 डेज में आपकी जो है यह भी कंप्लीट हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी। और उसके बाद जो है वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड का जो सामान्य ज्ञान है वह स्टार्ट होगा, और अंत में आपका केवल करंट अफेयर बचेगा, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहा है। कोर्स जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसको पढ़ने में, याद करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो सोच समझ कर जो है वह आप कोर्स लें, और सारे डाउट क्लियर होने के बाद ही जो है वो आप पेमेंट करें। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता रही हूँ। और इसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी गाइड या बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।